हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका सक्सेस विद सुनील सर की क्लास में। दोस्तों आज का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाविद्यालय यानी कि कला महाविद्यालय की स्थापना 1911 में हुई। दोस्तों एक बात मैं आपको साफ कह दूं कि एक ना एक आर्ट्स कॉलेज के बारे में डिटेल जरूर आएगी, इसलिए सारे के सारे आर्ट्स कॉलेजेस को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पर एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है चेन्नई आर्ट्स कॉलेज यानी कि चेन्नई यानी कि मद्रास। मद्रास आर्ट्स कॉलेज की स्थापना हुई थी 1850 में। नेक्स्ट है कोलकाता। कोलकाता आर्ट्स कॉलेज की स्थापना हुई थी 1854 यानी कि 1854 में, और आपको मालूम है वो दिन कौन सा था, 16 अगस्त। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लखनऊ आर्ट्स कॉलेज। एकदम सही, लखनऊ आर्ट्स कॉलेज की स्थापना हुई थी 1911। इसके बाद आता है आपका मुंबई आर्ट्स कॉलेज, और मुंबई आर्ट्स कॉलेज की स्थापना हुई थी 1857। तो दोस्तों ये जो आर्ट्स कॉलेज हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्ट्स कॉलेज हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ये है फोटोग्राफ्स लखनऊ आर्ट्स कॉलेज की, ये है मेरा महाविद्यालय जहाँ से मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की है। दोस्तों आपको सच यदि बात बताऊँ तो जब मैं यहाँ पर पहले दिन गया था, जिस दिन यहाँ के एंट्रेंस का फॉर्म लेने गया था, उस दिन मैंने इस कॉलेज को देखकर यही कल्पना की थी कि यह कलाकारों के लिए स्वर्ग है। और रियलिटी आज मैं जिस पोजीशन में हूँ वो सिर्फ और सिर्फ इस महाविद्यालय की वजह से। आई लव माई कॉलेज वेरी मच। ओके दोस्तों, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ है ना, इसकी स्थापना कब, 1911 में होती है। ठीक है, और यहाँ के जो पहले प्रधानाचार्य हैं वह थे नथेलियन हार्ट। नथेलियन हार, ठीक, इनको जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये जो कॉलेज है ना, ये कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट के नाम से भी जाना जाता है। कब से, 1917 में इसका नाम जो था गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट कर दिया गया। और सबसे महत्वपूर्ण दिन वो था जब 1975 में इसको लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध कर दिया गया बल्कि बोलना चाहिए, और यह एक फैकल्टी बन गई लखनऊ विश्वविद्यालय की। इसलिए यहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं वर्तमान में, जो प्रधानाचार्य हैं यहाँ पर है, उनका नाम, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ मैं तब की बात कर रहा हूँ, डॉक्टर रतन कुमार जी यहाँ के प्रधानाचार्य हैं वर्तमान में। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का आपको क्वेश्चन मज़ेदार लगा होगा। ठीक है, ये रही इस कॉलेज की थोड़ी सी आपके लिए डिटेल।